ओ राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम मेरे भोजन का भोग लगाइए। जुई भगवान ने आवाज लगावे के बटे सीता राम जी प्रकट हो जावे। अब सीता राम जी प्रकट होया तो उन्हें एक नजर भोजन पर, एक नजर भगवान पर, एक नजर भोजन पर और एक नजर भगवान पर। और कई विचार करे भाई, बुलाया तो एक ने आ, दो किया आई गया। क्यों उन्हें लगा प्रभु बुलाया तो आपने एक ने आ, दो की कर आया। भगवान हाँ सर क्यों उन्हें लगा है हमारी अर्धांगनी हमारी पत्नी है, ये तो 24 घंटा हमारे साथ में ही रहे। बोले कोई बात नहीं भगवान, आप रो तेज, आप इतना सुंदर हो कि आपने मैं मना नहीं कर पाऊं, इनके वास्ते आप भोजन पाओ। भगवान थोड़ी देर ठहर और बटे सु अंतर ध्यान हो जावे। फिर समय रहते रहते फिर वापस एकादशी आई, 11 साई। फिर 11 साई तो वही सामग्री ली, लेकिन लेने से पहला गुरु जी ने कहने लागो चेलो की, हे गुरु जी बटे दो दो भगवान आवे तो सामग्री थोड़ी बढ़ा दो। बोले कोई बात नहीं। अब गुरु जी मन में जाने कि भाई कहीं ध्यान चेले ने थोड़ी ज्यादा भूख लागती हो वेला, कोई बात को नहीं ले जा। अब नदी रे किनारे लावे भोजन बनावे, भोजन बनाने रे बाद रे माइंड भगवान ने आवाज लगा और कई कहने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। आवाज लगाता ही पुकारता ही बट सीता राम लक्ष्मण जी तीनों प्रकट हो जाए। अब चले रही एक नजर भोजन पर और एक नजर तीनों भगवान रे ऊपर। भाई बुलाया तो दो ने हाँ, तीन तीन कहीं आई गया। बोले भगवान बात तो जमे पर ही रोज रोज आ बढ़न वाली चीज मारे जमे कोनी। बोले कहीं, बोले थण परिवार रो मैं कोई ठेको लेर कौन रखियो नहीं के थे बढ़िया जाओ और मैं बना तो जाऊं। इनके वास्ते अगली बार सु आओ तो कैर आया। भगवान मुस्कुराने लग जावे और वठे सु अंतर ध्यान हो जावे। फिर वही दिन वापस आयो, कई दिन रुक, कई एकादशी। आज गुरु जी ने जार के वे गुरु जी वठे तो भगवान बढ़ता ही जावे। दो ने एक ने बुलाऊं तो दो आवे, दो ने बुलाऊं तो तीन आवे, इरे वास्ते थोड़ी सामग्री और बढ़ा दो। गुरु जी के उतार रो मन में विचार करे भाई, रोज रोज आ सामग्री बढ़ रही है, बात कहीं है जरूर कटी ना कटी गड़बड़ है, कटी चेलो कटी बेचर तो नहीं आवे सामग्री ने। तो ज्यादा सामग्री दे और गुरु जी पीछे पीछे जावे छिपर। भाई देखो तो सही होकर कही रही है। अब नदी रे किनारे एक वृक्ष रे पीछे गुरु जी छिप जावे। आज चेलो ना तो भोजन बना रियो है बल्कि एक तरफ सामग्री रखुड़ी है। मन में विचार करे पहला भगवान ने बुला लूं, देखो किता आवे, ज्यादा आए तो कम बनाओ और पाओ। अब हाथ जोड़ और भगवान ने प्रार्थना करने लगा और कई कहने लगा, ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, ओ लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग। राजा राम आइए, सीता राम आइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जी आवाज लगाई के पूरे राम दरबार बैठे प्रकट हो जावे भरत जी हनुमान जी आदि सब। अब चेलो मन में विचार करे वही भगवान आप रे संग में, आप रे जीसा ने लाया सो लाया, वानर नहीं पीछे नहीं छोड़िया, वानी संग में लाया। बोले आ पड़ी सामग्री बनाओ और पाओ। अब अठीने चेलो एक तरफ जा और आंखिया बंद कर बैठ जावे।
भरत जी भंडारा बनावे, हनुमान जी सब ने पुरसे और सब जना भोजन कर दिया। लेकिन चेलू नेत्र बंद कर एक तरफ बैठो है। कोई पूछियो कि भाई बात का ये तू नेत्र बंद करियो बैठो क्या है? बोले अगर मैं कोई चीज भोजन कर ना सकूं, मैं नहीं खा सकूं, तो मैं खाते कि नहीं और ने भी देख नहीं सकूं। हमारी बुरी आदत है। अब आठी ने गुरु जी मन में विचार करे, क्योंकि गुरु जी ने कुछ भी नहीं दिख रियो है, बे मन में विचार करे कि भाई सामग्री सारी रखियोड़ी पड़ी है, चेलो एक तरफ नेत्र बंद करिया बैठे, बात कही कर कही रियो है। अब पास में आवे और आ और आवाज लगावे कि चेला तू कर कही रियो है? बोले गुरु जी आप क्यों भगवान ने याद कर लिए? अब भगवान ने एक ने बुलाऊं तो दो आवे, दो ने बुलाऊं तो तीन आवे, तीन ने बुलाऊं तो चार आवे, इतो सारो राम दरबार रो राम रो दरबार ही प्रकट हो गयो। बोले कटे है मन तो दिख नहीं दिया। अरे बोले गुरु जी ये है नहीं, देखो भरत जी भंडारा बना रिया है, हनुमान जी सबने पुरुष लिया है, प्रभु राम भोग लगा रिया, देखो नहीं? बोले नहीं मन तो नहीं दिख रहा है। तो चेलो भगवान ने क्यों ने लागो कि प्रभु बात कही है, आप मने एक ने दिख रहा हो लेकिन हमारे गुरु जी ने क्यों नहीं दिख रहा? तो भगवान हंसता मुस्कुराता क्यों ने लागा, चेला जो सरलता थारे अंदर है वो सरलता थारे गुरु में नहीं है। हालांकि थारा गुरु थासु ज्यादा तपस्या करी, थासु ज्यादा हमारी सेवा करी, लेकिन जो सरल स्वभाव जो सरलता थारे अंदर है वो मैं थारे गुरु रे मायने नहीं अनुमाई है, नहीं देखी है। गुरु जी ने आंखें ने मायने आंसू आ जावे, हे भगवान भले ही मारी चेलारी वजह सु आप माने दर्शन दो, लेकिन आप रे आगे मारे हाथ जोड़ प्रार्थना करूं प्रभु मारो जीवन सफल हो जासी, बस एक बार मने आपरा दर्शन मिल जाना चाहिए। और जब चेलो भगवान सु प्रार्थना करी करता ही भगवान वठे प्रकट हो जावे और गुरु जी ने दर्शन। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की। तो कहने रो तात्पर्य यो है कि जीरे अंदर सरलता है वटे ही भगवान है। तो जीवन में सरलता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ब्रह्मांड रो नायक है, पूरे ब्रह्मांड ने आपने अंदर वास कर रखियो है, अंदर सबने पालन पोषण संहार आदि सब कुछ भगवान कर दिया है। अगर माने कोई आपरे वश में कर सके तो मात्र एक भगत है। लेकिन ई चीज सु एक आप ही सीख है कि जिनकी अगर संतान पुत्र ना हो, तो अगर भगवान ने आपरा पुत्र बना रखे तो विश्व बड़ा माँ बाप सौभाग्यशाली और है ही नहीं संसार मायने। क्योंकि बहुत माताओं लोग, क्योंकि यो प्रसंग कहना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत माता पिता रो यो प्रश्न रहे कि मारे पुत्र नहीं है, मारे पुत्री नहीं है, बिना संतान कोई जीवन थोड़ी ना है। लेकिन एक बात ध्यान रखी लीजो, जिरे संतान है तो वह कोई जरूरी नहीं है कि वह संतान सुख देवनी ही हो गए, लेकिन जिरे कोई भगवान पुत्र बन रहे तो याद रख लीजो वो माँ बाप सदैव भी घर रहे मायने खुश रहे। वृंदावन रा सेठ जी जारे तीन पुत्र था, घर में तीन बहू आती और एक बेटी नहीं थी, तो मन रे मायने रोज भाई बात चलती कि एक बेटी होती तो शायद जीवन सफल हो, तो जीवन सफल हो तो मैं भी मारे हाथा सुकन्या दान करतो और करतो खूब मन में। रात्रि रे समय सोता तो वह बात, एक दिन राधा रानी रे मंदिर में जा और राधा रानी से प्रार्थना करी के हे राधा रानी अगर पुत्री होती तो जीवन सफल हो। तो एक दिन जब रात्रि रे समय सेठ जी सो रिया था तो स्वप्न में आ और सेठ जी ने राधा रानी कहे कि सेठ जी चिंता ना करो, आप पुत्री पुत्री रोज करता रहो तो आज सु मैं ही थारी पुत्री हूं। देखो हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा 5-6 घंटा नहीं, लेकिन जो संत महात्मा रो नियम है बंडे अनुसार कि
आप जो नीचे बैठा हो वह सेवा पानी री एक अलग बात है, लेकिन एक व्यास गद्दी रो एक नियम है और वेन रो नियम रो आपने पालन करनो आपारो कर्तव्य होया करे। जीतो पालन रही वी तो आपारे जीवन में कोई ना कोई बदलाव आसी। तो इनरे वास्ते मारो निवेदन माताओं लोगा सु ओई है कि चाय पी पीर आपरा जो कफ है जो भी है आप हालांकि नहीं फेंक रहे हो, लेकिन फिर भी कचरो कूड़ो जो भी हो वो कूड़ादान में ही रहना चाहिए। जितनी पवित्रता हो सी वितो ही ज़्यादा बढ़िया है। बाकी सेवा रो तो मैं भी समझ रही हूँ, गर्मी रो मौसम इनरे मायने 4 घंटा बैठना आपने लिए बड़ी मुश्किल री बात है, लेकिन कोई बात नहीं, सेवा पानी जो चल रही है उन्हें अनुसार आप ले, लेकिन पिवड़े रे बाद रे मायने आप कूड़ादान में वापस डालो। ताओ प्रसंग रे अनुसार कि सेठ जी रे स्वप्न में आ और राधा रानी कहे कि सेठ जी आज सु आपरी पुत्री मैं ही हूं। एक दिन जब सेठ जी आपरे ऑफिस जा रहा था तो चूड़ी बेचने वाली एक मनिहारिन ने कहो कि मनिहारिन तू मारे तीनों बहू ने चूड़ियां पहना दी। मनिहारिन बोली ठीक है। अब चूड़ी पहनाने रे लिए आई और पहनाने रे बाद रे मैंने वट राधा रानी आवे और मनिहारिन ने कहने लगी मनिहारिन अगर 3 भाभियों ने पहनाई हो तो चौथी ने मन नहीं पहना दे। बोले 4 लोगारो मन सेठ जी नहीं बोले मन तो बस कहो 3 ही लोगों ने चूड़ी पहनानी है। बोले मैं भी सेठ जी की पुत्री हूँ मन पहना दे। अब पहना दी। पहनाने रे बाद रे मायने जब मनिहारी ने पैसा लेने रे लिए मजूरी लेने रे लिए सेठ जी दुकान पर पहुंचे बोले सेठ जी आपरी तीनों बहुओं ने चूड़ी पहना दी। बोले पहना दी। बोले ठीक है। जो 3 रा पैसा देवने लगा बोले 3 नहीं 4 जना रा दो। बोले 4 जना रा। बोले 4 चूड़ी कौन पहनी। बोले वो मने मालूम नहीं लेकिन 3 बहुओं ने पहनाने रे बाद रे मायने कन्या मिली वह बोली मैं सेठ जी री बेटी हूँ तो मने आप 4 जना चूड़ी पहनावने री मजूरी दो। सेठ जी बोलिया मनियारिन क्यों ज़्यादा पैसा रे वास्ते झूठ बोल रही है, अगर लेना है तो यूँ ही ले ले ज़्यादा पैसा, लेकिन कम से कम झूठ तो मत बोल। बोले सेठ जी जाओ भले पूरा पैसा ही मत दो लेकिन आप यूँ इंजाम मत लगाओ कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं सच्ची बोल रही हूँ आपने 3 बहुओं के अलावा चौथी कन्या भी बैठे मौजूद ही। अब सेठ जी मन में विचार करे भाई 3 तो बहू ही लेकिन चौथी ही कौन। रात्रि के समय सेठ जी तीनों बहुओं 4 लोगों ने चूड़ी पहनने की मजूरी दे दी। रात्रि रे समय जब सेठ जी स्वप्न में सो रिया था तो स्वप्न रे मायने राधा रानी आवे और रोने लगी। राधा रानी हे सेठ जी आप कहता कि मारी पुत्री नहीं है लेकिन आपरे लिए मैं पुत्री बनर आई और मैं तो पुत्री रो फर्ज निभायो लेकिन आप पिता रो फर्ज नहीं निभायो, तो जाओ आज रे बाद रे मायने मैं आपरे कदी घर रे मायने पुत्री रूप में नहीं आऊला। तो याद रखीजो जीरे संतान नहीं है वो लड्डू गोपाल ने आपरो पुत्र समझ और आपरे जीवन ने आगे बढ़ाओ। या भजन भी अच्छे प्रकार सु होसी और ना कोई दूसरी टेंशन ना कोई दूसरी फिकर। ए जीवन रा ऐसा नियम है महाराज जो अपने गृहस्थियों ने आपा गृहस्थी में रेर और इनरा पालन कर सका। इनरे वास्ते बतायो जावे कि नरसिंह जी सा भगत जो भगवान ने पाया नरसिंह जी री लुगाई रोज लड़ती लेकिन फिर भी नरसिंह जी एक बार भी आपरी लुगाई री नहीं सुनता, बस आपरी भक्ति में मगन रहता। आज जब 1 साल तक बैठ खावे इतो अन नरसिंह जी ने प्रधान करियो तो नरसिंह जी व 16 सूर्या ने मानदास जी ज्ञानदास जी ध्यानदास जी हनुमानदास जी आ सब 16 सूर्या ने भेड़ा कर और सब ने कहता आओ सूर्या आप भजन करो और भोजन भी करो। अब आज रे समय में तो महाराज इतो जीवन जीमे ही नहीं, एक जनो ज्यादा से ज्यादा 2 रोटियां जीवी और झट गिरी बात आवे पहला ही हाथ इलार मना कर दे नहीं मत डालिया। लेकिन पहले रे समय में आज रे समय में मानो तो जीता 10 आदमी जिमे नहीं बीता, पहले रे समय 1 जनो जिमिया कर तो और अगर 10 जीता रो डाल दो महाराज तो फिर हालत ही खराब हो जावे है कि नहीं। लेकिन पहले री सहन शक्ति पहले रो भोजन पानी खान पान सब अलग हो और आज रो एकदम अलग है।
कहने रो तात्पर्य यो है कि नरसी जी सब 16 सूर्य ने बुला भेड़ा कर और खूब भजन करता। एक साल भजन करते करते एक साल बीत गयो और एक साल बीतने रे बाद रे मायने कयो जावे कि वह जितनी सामग्री ही सारी दी सारी खत्म होगी। अब खाली एक समय में मना वह बीती सामग्री बची थी। नरसी जी री लुगाई के उड़ने लगी, कई करूं, अब आईतिक सामग्री बची है। बोले काम कर, अभी अभी तो बना, बाकी भगवान जिया इच्छा करी वे होसी, अपन कर दू तो कुछ भी नहीं हो। अब आ सामग्री बनाई, वा भी भोजन कर लिया। अब दिन रात तो हो गया, लेकिन संध्या रे समय, जब शाम रे समय हुए, नरसी जी सब सूर्य ने कहने लगा कि सूर्य अब आप सब जना भजन करो भगवान रा। सूर्य कहने लगा, नरसी जी पहला पेट पूजा रे पछे काम, दूजा भूखा हूं तो भजन होवे कोनी। तो नरसी जी कहने लगा, अब भाई भोजन की व्यवस्था मैं कठे सु करूं। बोले मारे बाऊ कटो ही करो, लेकिन पहला भोजन करवानो पड़ी। बोले चिंता मत करो, भगवान कठो ही न कठो व्यवस्था करी करी। अब महाराज धीरे धीरे वक्त बीत तो गयो। भी गांव रे मायने कोई 4-5 संत आवे जिकाने लिखवानी ही हुंडी, क्योंकि मारे खाने 700 रुपया है। और बे मन में विचार कर आया कि बे 700 रुपया मैं जूनागढ़ में की सेठ ने देवा और बे माने वापस द्वारिका नगरी में मिल जाना चाहिए, क्योंकि द्वारिका नगरी में जार बे भंडारो करने रो विचार करियो। अब विचार तो करियो, लेकिन हो काई कारण पैसा क्यों नहीं ले जा पा रहा था, क्योंकि जो द्वारिका और जूनागढ़ रो बीच में मैं रस्तो हो, बट चोर डकैत आदि रहता तो डर भी थो, तो हर चीज भी रस्ते में आखिर नहीं ले जा सकता। तो मन में विचार करे बे रुपया 8 देवा तो वे वापस बठे मिल जावे, तो मारी और भी सरलता व्यापित हो जावे। तो गांव में सब जना खन फिरे, लेकिन कोई हाँ नहीं कर रही हो। तो बटे एक मस करो थो, बोले संतो कई बातें किने जा रिया हो। बोले कोई सेठ ने ढूंढ रिया, कोई सेठ मिल जावे तो हुंडी लिख देवे, तो वे 700 रुपया वा सेठ ने 8 दे देवा और वे माने 700 रुपया वापस बट द्वारिका मिल जावे तो मैं कल भंडारो करा, बट संतों ने भोजन करवावा। बोले अच्छा या बात है। बोले हाँ। तो बोले काम करो, अटी गांव रे मायने नरसी मेहता है, वे सबसे बढ़िया सेठ है। आप माने अगर वे 700 रुपया दे हो तो वे आपने वापस द्वारिका नगरी में मिल जासी, वे आपने हुंडी लिख दे। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले पर एक कारण है, बन थे अगर जार के वो नहीं तो वे हाँ नहीं करेला। बे केवेला भाई मैं हुंडी लिखू को नहीं, मैं एक समय में लिख तो, लेकिन बार थे जार पैर पकड़ लीजो, हाथ जोड़ दीजो कि थाने वो काम तो करनो ही करनो पड़ी। बोले ठीक है। संत लोग आया, नरसी खूब आओ भगत करे, खूब आदर करे, खूब भजन करे। करने रे बाद रे मैंने पूछने लगा, आओ संतो कारण तो बताओ आमने रो। तो बोले कारण तो यो है ने नरसी जी कि माने हुंडी लिखवानी थी, 8 में 700 रुपया थाने देवा और वे 700 रुपया माने द्वारिका नगरी में वापस मिल जाना चाहिए। नरसी जी हाथ जोड़ के उन्हें लगा, देखो संतो एक समय में मैं हुंडी लिखा करतो, पर अब मैं हुंडी नहीं लिखू। संत लोग कहने लगा, नरसी जी यो मत करो, रात होगी, अब मैं कठे जावा किरे कने जावा और काल परसों तक माने भंडारो करनो जरूरी है, कुछ भी करो लेकिन हुंडी तो थाने लिखनी ही पड़ी। नरसी जी कहे, देखो यो मत करो, क्योंकि मारे जान पहचान वालों द्वारिका में कोई नहीं है। अटिन सूरदास जी कहे, नरसी जी पैसा ले लो खनी नहीं, घर में सामग्री निवड़ोड़ी है और ठाकुर जी रो इशारो है थाने क्या करो, 700 रुपया ले लो और सामग्री मंगवा लो और भोजन कर लो और आने ही करवा दो। बोले 8 तो कर ले वहां, लेकिन द्वारिका में पाछा भरपाई कुण करी। बोले ठाकुर जी रो काम है, ठाकुर जी जाने, आपा तो भजन करने रा निमित्ता, बाकी भगवान ने ऊपर छोड़ दो। बोले नहीं, वो काम मैं नहीं कर सकू। बोले नरसी जी भूखा हाँ और ई कारण की वजह भजन भी नहीं हो वेला, इत तो काम कर दो, भगवान ने ऊपर भरोसो राखो। अब इतनी बात कही तो हुंडी लिखने रे लिए तैयार हो गया, हुंडी लिख दी कि मैं नरसी सेठ 8-700 रुपया पाऊं और वही 700 रुपया वापस द्वारिका में सावण सा सेठ नाम रखने सु मिल जाना चाहिए।
अब हुंडी लिखने रे बाद रे मायने सेठ कई जिता संत था भजन करे, भजन करने रे बाद में बन भोजन करवावे, भोजन करवाने रे बाद में जब सुबह हुई तो बन तो विदा कर दिया। अब विदा करया तो बे पहुंचे द्वारिकापुरी। अब द्वारिकापुरी रे मायने पहुंचे और वठे द्वारिकापुरी रे मायने BS मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले हर धार्मिक वीडियो का आप लाभ उठा सकें।